जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लोग सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। कल मैंने सिंटेक्स इंडस्ट्रीज कंपनी के ऊपर वीडियो बनाया था और बताया था कि सिंटेक्स प्लास्टिक के ऊपर भी जल्द ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस कंपनी का हाल देखेंगे तो इसका हाल भी तकरीबन इसी के जैसे होते हुए दिख रहा है। इसलिए पहले से जो इसके इन्वेस्टर्स हैं वो सावधान हो जाएं, ताकि इनका हाल भी इस कंपनी के जैसा नहीं हो। जैसे पता है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज पूर्ण रूप से स्टॉक मार्केट से डिलिस्ट हो गई, तो ये जो कंपनी है सिंटेक्स प्लास्टिक, नाम भी सेम है और काम भी सेम है। तो इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसमें चल क्या रहा है और आगे क्या हो सकता है, ताकि आपका पैसा जीरो होने से बच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखेंगे सिंटेक्स प्लास्टिक का शेयर प्राइस लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान 2 रुपये पर इसने अपना क्लोजिंग दिया है और तकरीबन 5% के आसपास गिरावट के साथ। यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस कंपनी का शेयर प्राइस एकदम यहाँ पर फ्लैट मतलब दिख रहा है। शेयर प्राइस में आपको पता है कि ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो जहाँ पर प्राइस ओपन हुआ तकरीबन वहाँ पर क्लोजिंग कर दिया, इसलिए प्राइस एकदम फ्लैट है। यहाँ पर पिछले एक सप्ताह हम देखेंगे तो एक सप्ताह में स्टॉक तकरीबन 5% के हिसाब से ही नीचे आ रहा है और पिछले एक सप्ताह में भी 5% के आसपास यहाँ पर आपको गिरावट होते हुए दिखेगा। एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में देखेंगे तकरीबन 13% के आसपास स्टॉक टूटा है। खासकर ये 11 अप्रैल के बाद बड़ी गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। पिछले 6 मंथ में स्टॉक तकरीबन 43-44% के आसपास टूटते हुए आपको जरूर दिखेगा। तो ये एक लंबी गिरावट इसमें हम कह सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे अभी लोग बीएस सिंटेक्स वेबसाइट पर आए हैं और यहाँ पर मैंने सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी को ओपन किया है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी देखिए ये कंपनी IRP स्टेज वन में है। IRP स्टेज वन का मतलब हुआ कि कंपनी अभी इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस के माध्यम से गुजर रही है। हिंदी में इसको कहते हैं दिवालिया समाधान प्रक्रिया। ये कंपनी दिवालिया होने के कगार पर है और इस विवाद की वजह से ये कंपनी अभी कहाँ गई है, NCLT में गई है। इसके विवाद NCLT में चल रहा है और आपको पता है कि जो कंपनी NCLT में चली जाती है उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पर देखेंगे एक जो मैं आपको अपडेट दिखाऊं तो इसमें लगता है कोई ना कोई अपडेट आता ही रहता है हर एक दूसरे दिन। यहाँ पर देखेंगे ये 3, 2, 3, 4, 5 हर एक दिन एक अपडेट आया है इस कंपनी के इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस को लेकर। यानी कि ये कंपनी में भी सुनवाई चल रही है NCLT में। इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन का मतलब होता है कि जो इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेप्ट है उस डेप्ट को कैसे भी कम किया जाए, और डेप्ट कैसे कम होता है कंपनी के जो एसेट्स होते हैं उनको बेच के ज़्यादातर, क्योंकि कंपनी के पास तो उतने रिजर्व पैसा होते नहीं है कि कंपनी अपने सारे डेब्ट को चुका दे, तो असेट्स को बेचकर कंपनी के जो मतलब कर्ज होते हैं, जिससे कर्ज ली हुई होते हैं उसको चुकाया जाता है। यहाँ पर मैं सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड के ऊपर कितना कर्ज है वो यदि दिखाना चाहूँ तो सबसे पहले हम लोग आएंगे यहाँ बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कंपनी के ऊपर अभी कितना कर्ज है। ये देखिए बैलेंस शीट मैंने ओपन किया हुआ है और बैलेंस शीट के में ये देखेंगे ये रहा बोरो मतलब कर्ज। और देखिए अभी जैसे दिसंबर क्वार्टर का तो रिजल्ट हमारे पास नहीं, सितंबर तक का अवेलेबल है, तो इसमें देखिए 2494 करोड़ रुपए का कंपनी के ऊपर कर्ज है, जो कि पिछले कुछ समय में देखेंगे तो कम जरूर हुआ है कर्ज, लेकिन अभी भी कर्ज काफ़ी ज़्यादा है। और इस वजह से ये कंपनी को अभी NCLT में घसीटा गया है, जो इसके मतलब कर्जे देने वाले लोग हैं जो बड़े बड़े पार्टियां हैं। रिजर्व के नाम पर देखेंगे रिजर्व कंपनी के पास कुछ नहीं, पिछले कुछ क्वार्टर्स देखेंगे तो पहले तो कुछ था भी, लेकिन अभी एकदम माइनस में कंपनी चल रही है। रिजर्व के मामले में भी कंपनी माइनस में चल रही है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, इस कंपनी का जो मार्केट कैप देखेंगे आप तो मार्केट कैप है सिर्फ 127 करोड़ के आसपास। मार्केट कैप कितना है, कंपनी के टोटल औकात 127 करोड़ का, और इसके ऊपर कर्जा कितना है 2494 करोड़ रुपये का। मतलब सोच भी नहीं सकते हैं आप कि कंपनी कहाँ से ये इतना पैसा चुका पाएगी। दूसरी बात यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी और जो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है यह भी माइनस में है। यानी कि इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके इन्वेस्टमेंट पर, उसके इक्विटी पर साल भर में कोई भी रिटर्न उसे नहीं मिला, क्योंकि ये माइनस में है तो कहाँ से रिटर्न मिलेगा। बुक वैल्यू भी देखेंगे तो कुछ नहीं है, बुक वैल्यू भी एकदम मतलब 1 रुपये भी नहीं है। यानी कि कंपनी डूब भी जाते तब भी आप कोई रुपया इसमें मिलने नहीं जा रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट में यदि मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे ये रहा क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में सेल्स की बात करें तो सेल्स तो पिछले कुछ क्वार्टर में देखेंगे तो सेम ही रह रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से, लेकिन यदि मेन चीज़ है यहाँ प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में जब आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी थोड़ा सा पहले लॉस में थी, उससे बढ़कर 36 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में आई है। तो देखिए NCLT में गया है, तो NCLT में जाने का ये मतलब नहीं हुआ कि डायरेक्ट एकदम इसको डीलिस्ट ही कर दिया जाएगा। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे इस कंपनी का फंडामेंटल धीरे धीरे मजबूत भी हो रहा है, तो इस बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि ये सिंटेक्स इंडस्ट्रीज जैसा तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। मैं आपको यही कहूँगा आपके पास इसमें जितने भी स्टॉक्स हैं, मान लीजिए 100 स्टॉक्स हैं, तो तकरीबन इसमें से हाफ स्टॉक यानी कि 50 स्टॉक बेच के अपना जो भी पैसा है उसको बाहर निकाल लीजिए। 50 स्टॉक को ही आप इसमें रिस्क पर लेकर चलिए। उम्मीद करता हूँ सिंटेक्स प्लास्टिक के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप समझ पा रहे होंगे। कोई भी इससे रिलेटेड सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप ट्रेडिंग करके शेयर मार्केट से रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पेम स्टॉक में अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।